महंगाई के खिलाफ लगातार कांग्रेस अब आक्रामक रुख अपनाने लगी है और जयपुर में भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त जयपुर में भारी बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच में एक पेट्रोल पंप के पास कांग्रेस से जुड़े सभी लोग यहां पर मौजूद हैं और ये सभी लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त राजस्थान में, मैं खास तौर पर जयपुर की बात करूं तो पेट्रोल का दाम 107.81 रुपये के पार चला गया और डीजल 99 रुपये को क्रॉस कर चुका है, यानी कि यह अब शतक के क्लब में शामिल होने वाला है। तो ऐसे में यहां पर लगातार अपने हाथों में बैनर, पोस्टर, प्ले कार्ड दिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी ओर से सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता महंगाई की इस मार से किस तरह से परेशान है, किस तरह से लोग राहत चाहते हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर यह पूरा धरना प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ तो अब यहाँ पर कांग्रेस के जो ये लोग हैं, मैं जनता से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार ये लोग क्या सोचते हैं, क्या कांग्रेस की तरफ से। सर, आज आप लोग एजिटेशन कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने फैसला भी किया है कि पेट्रोल की मांग को जोर शोर से उठाएंगे, उप महापौर हैं, कैसे मिलेगी लोगों को राहत? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो डीजल के दाम जो बढ़ाए जा रहे हैं ना, ये एक तरह से जनता पे सीधा वार है। आप देखिए कि सारा ट्रांसपोर्ट जो है वो डीजल पे डिपेंड करता है और आप डीजल की कीमत बढ़ा दोगे तो नेचुरली हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी और आज जनता जो खाने पीने के लिए त्रस्त हो जाएगी। तो ये एक तानाशाही राजाओं की एक पॉलिसी होती है कि जनता को खाने पीने की चीज़ों से इतना शॉर्ट कर दिया जाए कि उनका सारा ध्यान सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में रहे ताकि वो कोई विकास की और आंदोलन की कोई बात नहीं। किसके खिलाफ है, केंद्र या राज्य के? क्योंकि देखिए, जिम्मेदारी दोनों की होती है, जनता आम जनता है। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये टोटल डीजल पे एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द डीजल। आप डीजल की आप कीमत बढ़ा दो तो देश में ऑटोमेटिक सब चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। तो अब आप खुद बताइए कि डीजल केंद्र सरकार के अंडर में, राज्य सरकार के अंडर में, डीजल पेट्रोल दोनों ही वसूलते हैं सर? सर, टैक्स दोनों वसूलते हैं लेकिन कीमत तय करना राज्य सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है। पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये महंगाई बढ़ाना लोगों को असली मुद्दों से भटकाना है ताकि वो अपने विकास की बात ही नहीं कर सकें। और जब तक ये महंगाई कम नहीं करेंगे, कांग्रेस सड़कों पर से आंदोलन करती रहेगी और जारी रहेगा ये आंदोलन। बिल्कुल ठीक कहा है, महंगाई को आम जनता से जो जरूरी मुद्दे हैं उन मुद्दों में एक यह मुद्दा और यही कारण है कि इस पेट्रोल पंप के पास कांग्रेस के तमाम लोग आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको एक बार दाम दिखाता हूँ आज के पेट्रोल के। ये देखिए, स्पीड पेट्रोल है और जयपुर में इस वक्त स्पीड पेट्रोल का एक लीटर का दाम हो गया है 111.62 रुपये। बहुत बड़ा है ये 111 रुपये और आम जो जनरल पेट्रोल है, नॉर्मल पेट्रोल, 107.80 रुपये। यानी कि 111 रुपये में स्पीड पेट्रोल और 107.80 रुपये, यानी करीब करीब 108 रुपये में नॉर्मल पेट्रोल मिल रहा है। तो अब लोगों की परेशानियां निश्चित तौर पर बढ़ना जायज है और अब लोग यहां पर, कांग्रेस के जो लोग थे यहां पर बैलगाड़ियों पे और ऊंट पे प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, अब बारिश आ रही है चूंकि, तो इन्होंने पेट्रोल पंप पर आकर अब नारेबाजी, धरना प्रदर्शन अपना शुरू कर दिया है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्री वत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।